दोस्तों, स्टॉक मार्केट में एक जबरदस्त तेजी इस वक्त देखने को मिल रही है। 18,000 के आसपास निफ्टी इस वक्त पहुंच चुका है और अगले दो दिनों में लगातार ऐसी कुछ न्यूज आ सकती है जिससे स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। सबसे पहले तो 2 नवंबर को यूएस फेड की मीटिंग होने वाली है जहां पर इंटरेस्ट रेट हाइक करने की पूरी उम्मीद है। तो जो एस्टिमेट माना जा रहा है वो 0.75% के आसपास इंटरेस्ट रेट हाइक किया जा सकता है। तो अगर उतनी इंटरेस्ट रेट हाइक होती है तो मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा कुछ वॉलेटिलिटी नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो रहने वाला है वो यूएस फेड की कमेंट्री रहने वाली है कि आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट कितना बढ़ाया जाएगा। तो अभी तक मार्केट का एक्सपेक्टेशन है कि 4.5% तक इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाएगा और 2023 में पूरा इंटरेस्ट रेट और फर्दर कट नहीं किया जाएगा। ये जो लास्ट टाइम फेड की कमेंट्री थी उसके हिसाब से ये एस्टिमेट्स हैं। लेकिन अगर इसमें कोई चेंजेस होते हैं, मान लीजिए अभी 4.5% से फेड अब बोलता है कि 5 या 5.25% तक हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे, तो मार्केट के लिए एक नेगेटिव चीज़ हो सकती है। और दूसरी तरफ अगर यही चीज़ को हम उल्टी तरह देखें और ये बोला जाता है कि मार्केट की जो इंटरेस्ट रेट है वो और ज़्यादा नहीं बढ़ाए जाएंगे और 2023 में रेट कट्स भी देखने को मिल सकते हैं, तो मार्केट में एक पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी। तो ये डिपेंड करेगा प्योरली कि उनकी कमेंट्री कैसे आती है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाइक तो ऑलमोस्ट प्राइज्ड इन है 0.75% और उससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हाइक होने भी नहीं वाला। अगर 0.5% हो जाता है तो मार्केट में एक अच्छा खासा उछाल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कोई भी ये एक्सपेक्ट करके नहीं चल रहा है कि ये सिर्फ 0.5% हाइक होगा। तो कल जो 2 तारीख को जब इंडिया के टाइम के हिसाब से 11-12 बजे रात को डिसीजन आता है, तो इंडिया की मार्केट में अगर कुछ इम्पैक्ट आता है तो 3 नवंबर को ही इम्पैक्ट इंडिया की मार्केट में देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा दूसरा डिसीजन 3 नवंबर को आ सकता है। वैसे माना जा रहा है कि ऐसा कोई डिसीजन नहीं आएगा। 3 नवंबर को आरबीआई की भी एक मीटिंग है, तो इंडिया में भी हो सकता है इंटरेस्ट रेट हाइक किया जाए। हालांकि जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं वो ये मान रहे हैं कि कोई भी नया रेट हाइक 3 नवंबर की मीटिंग में इंडिया में नहीं होगा। तो मार्केट में यही माना जा रहा है कि कोई इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं होगा। उम्मीद भी यही है क्योंकि इंडिया में 5.9% के आसपास ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट हाइक किया जा चुका है। लेकिन अगर कोई इंटरेस्ट रेट हाइक 3 नवंबर को इंडिया में हो जाता है, चाहे 0.25% 0.35% कितना भी हो जाता है, तो आपको मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं है कि किसी भी तरह का इंटरेस्ट रेट हाइक होगा। तो वो 3 नवंबर को भी नजर रहनी चाहिए। वैसे कि यही माना जा रहा है कि ये जो आरबीआई ने एक अचानक से मीटिंग बुलाई है 3 नवंबर को, वो इसीलिए बुलाई है क्योंकि उनकी जो कुछ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स होती है आरबीआई की मीटिंग करने के लिए, उसको पूरे करने के लिए ये मीटिंग बुलाई जा रही है। तो ये दो डेट्स, 2 नवंबर और 3 नवंबर बहुत ज़्यादा क्रूशल रहने वाली है स्टॉक मार्केट के लिए। उम्मीद यही है कि आरबीआई और फेड, इन दोनों की कमेंट्री से पॉजिटिविटी ही स्टॉक मार्केट में निकल के आने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी 1 साल से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी देखने को मिल रही है और अब धीरे धीरे यहाँ पर पॉजिटिविटी ही स्टॉक मार्केट में देखने को मिलने वाली है, ऐसी उम्मीद है जितने भी एक्सपर्ट्स हैं। लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है कि कैसी कमेंट्री यूएस फेड की आती है, क्योंकि उस कमेंट्री के बेसिस पे ही इंडिया में भी इंटरेस्ट रेट हाइक का थोड़ा वो चलने वाला है। क्योंकि इंडिया में ज़रूरी क्यों हो जाता है कभी कभी इंटरेस्ट रेट हाइक करना, क्योंकि इंडिया में अगर यूएस में लगातार इंटरेस्ट रेट हाइक होता रहेगा और इंडिया में उस लेवल पे इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं होगा, तो इंडिया की जो करेंसी है उसमें लगातार गिरावट देखने को मिल सकती है। और यही चीज़ हम देख भी रहे हैं, यूएसडी टू आईएनआर की वैल्यू में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो क्या आरबीआई कोई डिसीजन ऐसा लेगी ताकि वो जो इंडिया की गिरती हुई करेंसी है उसको बचाने की कोशिश की जाए, वो 3 नवंबर को देखना होगा। लेकिन उम्मीद ऐसी है कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन के अलावा कोई मेजर डिसीजन नहीं लिया जाएगा। तो ये 2 दिन पे, ये 2 इवेंट्स पे आपको खास नज़र रखनी है अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से हेल्प होगी। जब भी ये डिसीजन आएंगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसका इम्पैक्ट कैसा आया है और क्या एक्चुअल में कमेंट्री रही। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।